शराबबंदी में महोदय आज क्या हो रहा है महोदय? मंगल पांडे जी ये धर के आगे बिकता है, मंगल पांडे जी ये धर के आगे बिकता है। शराब को रोकना है तो बॉर्डर इलाके पे महोदय वैसा उपकरण लगवाइए, कुत्ता बिलाई खरीदने से नहीं होगा। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT अमहारा बिहटा पटना। महोदय शराब में पीछे की सरकार को कोसा जाता था, कर उगाही में दिक्कत होती है, ब्लैक मार्केटिंग होता है, फलना चिल्ला नाल फरान सब सुनते थे महोदय। शराबबंदी में क्या हुआ महोदय? शराब की नीति तो माननीय सुशील मोदी जी ही लाए थे, जाके कम दुकान थी आज पंचायतें पंचायतें खुलवाने का काम किया, पंचायत पंचायत लोग को शराबी बनाने का काम किया महोदय। उसके बाद एकदम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सुनिए पहले बात, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ थे 18 महीने महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ शराबबंदी, हमारे दल के नहीं, ये लोग भी विपक्ष के लोग भी शपथ खाए थे, लेकिन हमको याद है महोदय ये लोग वॉकआउट भी किए थे, जो एक काला कानून है, हम लोग उस कानून को सख्त से सख्त कानून को हम लोग समर्थन करने का काम किए थे, ये लोग विरोध करने का काम किए। आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ भी बोल रहे महोदय। इसी तरह शराबबंदी में महोदय आज क्या हो रहा है महोदय? चले विधान परिषद की टीम, चले विधान परिषद के जितने भी सदस्य चले, चलिए हम शराब पकड़वाते, हमारे डेरा के बगल में बिकता है, मंगल पांडे जी के घर के आगे बिकता है। हमारे सुनिए तो आपके बीजेपी के मंत्री महोदय, शराब अच्छी चीज नहीं है, कोई भी मादक पदार्थ अच्छी चीज नहीं है, सिगरेट बीड़ी पान खैनी कोई चीज अच्छी नहीं है, लेकिन भाई हम ऑफ द रिकॉर्ड बोले हैं, जो सरकार प्रावधान की है महोदय कहाँ से आ रहा है महोदय, कहाँ से बिक रहा है? राजधानी के सड़कों पर महोदय डिवाइडर पर बोतल रखा जाता है महोदय, चिढ़ाने के लिए, सरकार को चिढ़ाने के लिए महोदय डिवाइडर पर बोतल रखा जाता है। जब हम लोग जाते हैं महोदय तो देखते हैं डिवाइडर पर बोतल रखा हुआ है महोदय। महोदय इनके बिहार सरकार के जो थानेदार है महोदय, उस शराब के बिक्री में संलिप्तता पाई गई है, जो मुजफ्फरपुर साइड के एक दरोगा थे उनको महोदय सस्पेंड करने का काम किया, उन पर विभागीय कार्रवाई, तो कहाँ से हो रहा है? शराबबंदी आपकी ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग उनके साथ थे अभी भी साथ है, लेकिन आपके जो नियम कानून है जो आपका अभी बिक रहा है उसको हमने दिखाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे शराब बिक रहे तो आप पहनाई कर रहे हैं, आप उसको देखिए, उसके देखने की जरूरत है, इसमें स्मगलिंग बढ़ रहा है। आज जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने, सुपौल पूर्णिया किशनगंज दुनिया जहां सबसे मतलब बिहार के कोने कोने से महोदय, वो यहां क्या करते हैं महोदय, लत लग जाता है, दलाल टाइप के आदमी रहता है उसको लत लगा देता है महोदय उस बच्चा को शराब बेचने का। शराब के बारे में इतना इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपको कहां से पड़ा? एकदम हम प्राप्त करते रहते हैं महोदय, प्राप्त करते महोदय, महोदय कुछ नहीं, 2-3 घंटा टाइम दीजिए महोदय, 2-3 घंटा हमारे हार्डिंग रोड में आप खाली घूम जाइए, पूरा का पूरा इंटरनल आपको मालूम चल जाएगा। हार्डिंग रोड में घूमिए, पूरा का पूरा इंटरनल मालूम चल जाएगा। दिलीप बाबू सुन रहे हैं ना आप? हार्डिंग रोड में आप जाइए महोदय, पूरा इंटरनल मालूम चल जाएगा। अच्छा अच्छा महोदय, जब घूमिएगा महोदय, छोटे छोटे बच्चा स्कूटी से ला के महिलाएं तक शराब का मैंने डिलीवरी करता, हमने देखा है महोदय। किसको कितना देर में फोन कीजिएगा महोदय, यही काम बच गया, फोने करना बच गया। राज्य सरकार क्या करी, कैसे आ रहा है शराब? आप उपकरण लगाइए बॉर्डर पर, आप बॉर्डर पर ऊपर उपकरण लगाइए जिससे कोई भी शराब अंदर नहीं आवे। जान अभी महोदय जाम में फंसता है गाड़ी, कई गाड़ी फंसता है, जब उसको खोला जाता है तो खाली शराब निकलता है। इतना भी अब कहिएगा ये भी इंटरनल कैसे जानते हैं महोदय? शराब को अगर सरकार को अगर इच्छा दृढ़ शिक्षा है शराब को रोकना है तो बॉर्डर इलाके पे महोदय वैसा उपकरण लगवाइए, कुत्ता बिलाई खरीदने से नहीं होगा महोदय। ये लोग झुट्ठों के कुत्ता बिलाई खरीद लेते हैं, कुत्ता बिलाई नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए और उसको बजाबता टोल पर, अगर एक टोल पार कर गया दूसरे टोल पर महोदय सुझाव है महोदय, दूसरे टोल पर उसको मैंने उपकरण लगवाइए जिससे शराब की जो आयात होती है बाहर से उसको रोक
रोकथाम हो सके।